अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम टेबल फॉर्मेटिंग पे काम करेंगे। टेबल को फॉर्मेट कैसे करना है, एमएस एक्सेल के अंदर टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे होती है। तो कुछ मटेरियल मैंने लिया हुआ है जो टेबल के लिए ज़रूरी है, वो मटेरियल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ले लिया है। अब इसकी फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। ये है एक स्टूडेंट मार्कशीट है और उसका टेबल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसके हेड्स हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने बॉर्डर में जाना है और इसको ऑल बॉर्डर कर देना है। इसके बाद हमने सारे को सिलेक्ट करना है ये यहाँ तक, और इन सबको बॉर्डर दे देंगे। और उसके बाद ये यहाँ से जो मार्कशीट है यहाँ तक इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको मार्जिन सेंटर कर देंगे, सेंटर में आ जाएगा। और इसकी फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर देंगे और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। अगर इसको कलर देना चाहें तो यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये कलर चेंज हो गया इसका। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, दो सेल्स को मर्ज कर देंगे, इनको भी मर्ज कर देंगे, इनको भी मर्ज कर देंगे। और ये सब्जेक्ट्स हैं इसको यहाँ तक मर्ज कर देंगे और इनको ये मर्ज कर देंगे, यहाँ से इसको मर्ज कर देंगे। और ये परसेंटेज है इसको मर्ज कर देंगे, और ये मार्क्स हैं इसको मर्ज कर देंगे। और ये इसको सिलेक्ट करके इसको बॉर्डर दे देंगे, और ये इसका जो आउट बॉर्डर है इसको थिक कर देंगे। और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका भी थिक बॉर्डर कर देंगे। और इस पे जो टेक्स्ट देखें यहाँ पे, ये नंबर 10 पे मोहम्मद हाशिम है, इसका ये लेंथ जो है वो ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, इस कॉलम पे यहाँ पे कर्सर रख के डबल क्लिक करेंगे तो एडजस्टमेंट कर लेगा, जितना टेक्स्ट होगा वहाँ तक एडजस्टमेंट हो जाएगी उसकी। सारे को सिलेक्ट करेंगे और इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर देंगे। यहाँ हम लिख देंगे टाइम्स न्यू रोमन और इसको थोड़ा सा विड्थ इसकी बढ़ा देंगे, और इन सब का बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज कर देंगे। अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो यहाँ से चेंज कर देंगे। ये सूट नहीं कर रहा, जहाँ पे सूट करे हम वहाँ इसको सिलेक्ट कर दें। चलो यहाँ तक इसको, ये एक क्लियर नहीं नजर आ रहा, थोड़ा सा इसको कलर इसका कलर चेंज करेंगे। मेरे ख्याल से वही ब्लैक ठीक है, वो ठीक लग रहा है इस पे। ये टेबल हमारे पास एक बन गया। अब इसके अंदर मैं, अगर आप चाहें तो ये रिकॉर्ड्स फिल कर सकते हैं। एक रिकॉर्ड आपको फिल करके दिखाता हूँ, उस तरीके से आप बाकी रिकॉर्ड्स भी सारे फिल कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट हम सेंटर कर देते हैं, ये चीज इसकी भी सेंटर कर देते हैं, इसकी ऑलरेडी सेंटर हो गई है। यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल 100 आउट ऑफ 99, 97, 98, 94, 88 और 98, ये मार्क्स लिए हैं उसने। टोटल मार्क्स कितने सब्जेक्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सब्जेक्ट हैं, तो 600 कर देते हैं हम टोटल मार्क्स हैं इसके। और ऑब्टेन मार्क्स उसने टोटल कितने लिए हैं, उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, सम इक्वल टू यहाँ से इसको रेंज दे देंगे और ब्रैकेट बंद एंटर करेंगे, तो ये उसका टोटल आ गया। अब हमने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है और इसका बॉर्डर थिक कर देना है, और
इसका भी ऐसे ही करेंगे, बोल कर देंगे और बॉर्डर चेक कर देंगे। इसकी अब परसेंटेज निकालनी है इक्वल टू ऑब्टेन ओवर टोटल मल्टीप्लाई 100। एंटर। ये इसकी परसेंटेज निकल आई, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। अब रिमार्क्स के अंदर हमने इसको कंडीशन देनी है कि जिसके नंबर अबव 90 हैं उसको एक्सीलेंट मार्क्स दिया जाए। यहाँ इफ का फार्मूला, इफ जी कंडीशन जो है इफ वाली, वो लगेगी। यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज का जो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये बड़ा है या बराबर है 90, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे इसको हमने एक्सीलेंट, मतलब जो भी देना चाहे वो आप लिखेंगे एक्सीलेंट, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर देंगे और ये ब्रैकेट बंद एंटर कर देंगे उसने, क्योंकि ये इसके 95 हैं, इसलिए उसने इसके 95.17 है इसलिए उसने एक्सीलेंट दे दिया। अब इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे, बाकी को ये फॉल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे उसको वैल्यू नहीं दी हुई। अगर यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं तो रिमार्क्स दे देगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 19, उसने एक्सीलेंट दे दिया। यहाँ पे हम दे देते हैं इसको 91, ठीक है, एक्सीलेंट दे दिया उसने। इसको वैल्यू इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हम इसको कंडीशन नहीं दी हमने। अब यहाँ इसको कंडीशन दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगाते हैं हम कॉमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट, क्या लिखेंगे N7% वाला जो सेल एड्रेस है वो वाला N7 छोटा है 90 से कॉमा, तो इसको क्या रिमार्क्स देंगे। इसको हम कह देते हैं जी आपने देना है इसको फेल, इन्वर्टेड कॉमास बंद, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे। अब देखें यहाँ उसने इसको फेल कर दिया क्योंकि इसके जीरो मार्क्स। हमने ये कहा उसको कि 90 से नीचे हो, 90 से नीचे से मुराद ये है कि जीरो से लेके 90 तक जितने भी होंगे उनको वो फेल कर देगा। तो देखें उसने इसी किया, इसको फेल कर, क्योंकि जिसमें वैल्यू नहीं है वो जीरो है, तो जीरो को भी उसने फेल कर दिया। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।